कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही पता चलता है कि वो डांसर हैं। नॉर्मल बंदे होते हैं जो अपना जॉब करते हैं तो वो अपने ऑफिशियल लुक में रहते हैं, जो डांसर होते हैं वो अपना फंकी लुक में रहते हैं। मैं अपनी स्टाइल अपने आप पर आता हूँ। जिस तरह से मैंने अपना लुक बनाया हुआ है, क्या यहाँ पे कहीं है किसी के पास? लुकिंग सो क्यूट, क्यूट, क्यूट। कई बार लोग बोलते हैं सर आपके बाल ऐसे कैसे हैं, क्यों हैं? थोड़ा अजीब भी महसूस होता है बट मुझे अपने बाल पसंद है। एक दिन छोड़ के शैम्पू और कंडीशनिंग करना पड़ता है, नहीं तो चिड़िया का घोंसला बन जाता है। मम्मी ने शैम्पू देना बंद कर दिया है मेरे को, 2 साल हो गए इस हेयर स्टाइल को रखते रखते। तेरा हेमंत गौर का है। जो भी डांस अभी दिखाने जा रहा हूँ वो पूरा यूनिक डांस है। मुझे लगता है इस डांस से ज्यादा इम्प्रेस हो सकते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे कि तकदीर की ट्रॉफी मुझे ही मिलेगी। वाओ, ये शर्ट आपने कहाँ से ली? फुल स्लीव। सुपर, रेडी? क्यू म्यूजिक। हेमंत गोरखा, आपके स्टंट्स जो आपने किए बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने एक फ्लिप किया था शुरू में, इट वाज वेरी गुड। और जो आपने वो एप का कैरेक्टर निभाया, किंग कॉन्ग होता था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप कितने साल से डांस कर रहे हैं? 6 इयर्स। आपके घर से आपको डांसिंग के लिए सपोर्ट मिलता है? नो सर। सर घर वाले चाहते नहीं कि मैं डांस करूँ, उनको बस काम करो और पैसा दो घर पे, वो सीन है। पर डांसिंग में तो आप पैसा कमा सकते हो। सर मैंने समझाया कि मैं डांस से पैसा कमा सकता हूँ। एक्चुअली मैं रात को डांस क्लास से लेट आता था, मतलब 15 दिन में ऐसा हुआ कि पापा ने मेरे को रोज पाइप से मारा। क्या? पंद्रह दिन रेगुलर पाइप से मुझे मारा। सोचता था कि कितने दिन मारेंगे, एक दिन मारेंगे, 2 दिन मारेंगे, 3 दिन मारेंगे, 4th दिन तो ना बोल ही देंगे कि जाग ना क्लास, पर वो नहीं माने। फिर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक्चुअली मैं 3 साल से घर से बाहर हूँ। मम्मी पापा को पता नहीं है कि मैं आया हूँ, तो मुझे उनका कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे है। अगर वैसे मिल भी जाते तो मुँह फेर के चले जाते, बोलते तक नहीं। मेरे को घर से बाहर निकाला था तो मैं उनको एक चीज़ बोल के आया था कि मैं आऊँगा तो कुछ बन के आऊँगा, अगर मैं शो में सेलेक्ट हो जाता हूँ तो। मम्मी मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे वापस अपना लो और प्लीज़ मुझे दोबारा घर से बाहर मत निकालना, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। रोज़ रात को मेरे आँखों में आंसू आते बट मैं ये सोचता हूँ कि जिस दिन कुछ बन जाऊँगा उस दिन मैं घर जाऊँगा और मम्मी को दिखाऊंगा कि मैंने डांस से भी कुछ किया है। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो, अकेले रह रहे हो? सर डांस क्लास में रहता हूँ सर के साथ में। मुझे ये कहना है आपसे हेमंत कि आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो प्रेपरेशन है, वो आज के आपके ही ऑडिशन के परफॉर्मेंस में मुझे नजर आया और मेरी तरफ से हाँ। थैंक यू मैम। बस हम ये कहना चाहेंगे कि आप
आपकी फैमिली से वापस जुड़ जाएं जल्द से जल्द. कोशिश करते रहिए बिकॉज वो आपके पेरेंट्स हैं. बिल्कुल सर. नाराज होते हैं, मान भी जाते हैं, तो मनाना आपका काम है. यस सर. तो हम तीन यही चाहेंगे कि आप तकदीर की टोपी आके ले जाए. आई होप हेमंत की मम्मी और हेमंत की बात हो, बट आई एम श्योर वो मान जाएंगे और वो खुशियां शेयर करेगा और ये मोमेंट देखेगा अपनी फैमिली के साथ में. डेफिनेटली.